डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तनवीर क्लास। मैं हूं तनवीर सर। आप लोगों को मैंने फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ क्लास के लिए वी बोर्ड मास पढ़ाया था। अब आज मैं अलजेब्रा का चैप्टर ले रहा हूं और उसमें विनकुलम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे सम बताने जा रहा हूं। तो यहां पे मैंने बच्चों 10 सम्स विनकुलम बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लिया है, जिसको मैं आप लोगों के लिए सिंपलीफाई करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट सम जो है बच्चों, वो क्या है, 3x प्लस 4x माइनस 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब यहाँ देखना है कि इसको हम लोग कैसे सिंपलीफाई करेंगे। तो सबसे पहला काम, आप लोग चूँकि बोर्ड मास से फैमिलियर हो चुके हैं, तो यहाँ पे इसको 3x प्लस 4x माइनस, अब यहाँ देखिए ये बार है आपका, ये यहाँ पे हमारा बार है, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3। तो इसको कैसे करेंगे, तो करना क्या है कि यहाँ पे 2x माइनस 3 है और यहाँ पे इसको समझो कि ये बार नहीं, एक ब्रैकेट है और इसके पहले माइनस साइन है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3, सेम उसी तरह से यहाँ पे जब बार रिमूव करना है तो इसको कैसे करेंगे, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 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 प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब हो गया इजी। अब यहाँ पे 3x प्लस 4x माइनस 2x, 4x में से 2x को माइनस करो कितना बचेगा 2x, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2x प्लस 3, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट नंबर टू क्या है यहाँ पे, 5x माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4 यहाँ पे विनकुलम है, तो यहाँ पे चूंकि इससे पहले हमारा पॉजिटिव साइन है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज रहने देंगे, माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, बार आपका रिमूव हो गया, इज इक्वल्स टू 5x माइनस, अब माइनस एक्स ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 3x, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 5x माइनस एक्स प्लस 3x 4x प्लस 4। अब ये स्मॉल ब्रैकेट को हटाइए, 5x माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x घटाइए, 5x में से 4x माइनस होने के बाद ये बचेगा सिर्फ x माइनस 4। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, x माइनस 4। चलिए अब हम नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड लेते हैं। थर्ड सम हमारा क्या है, थर्ड 6xy प्लस सिक्स माइनस 3xy माइनस 6 माइनस 6 माइनस xy माइनस xy प्लस 9, इस पे हमारा बार है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये हमारा क्या, इसको 6xy को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस 6 माइनस,
माइनस क्या है बच्चों, 3xy माइनस 6। और ये देखिए यहाँ पे फिर उसी टाइप का है, पहला समझो था माइनस एक्स वाई प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई और माइनस प्लस माइनस 9, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6xy प्लस 6 माइनस 3xy में से xy घटाइए, 3xy में से जब माइनस xy सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2xy माइनस 6 और माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 9, 6, 15, तो ये आपका हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2xy और ये माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है। अब 6xy और 2xy इसको एक जगह रख लेते हैं, 6xy माइनस 2xy प्लस 15 एंड प्लस 6, ठीक है। ये तो 6x में से 2x घटाइए, 2xy घटाइएगा 6xy में से 2xy, तो क्या बचेगा 4xy प्लस 15 और 6 21, विच इज योर आंसर, ठीक है। तो आपका थर्ड भी हो गया, अब नंबर फोर्थ लेते हैं। फोर्थ सम क्या है, नंबर फोर, फोर फोर पी स्क्वायर क्यू, फोर पी स्क्वायर क्यू माइनस माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू प्लस 3 माइनस 2p² q + 1, इस पर विनकुलम है, ठीक है। ये आपका नंबर फोर, तो इसको सॉल्व करते हैं, 4p² q माइनस p² q प्लस 3 माइनस, ये बार का काम कीजिए पहले यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2p² q और माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है बच्चों, आई थिंक के फॉलो कर रहे होगे, चलो वेरी गुड। 4p² q, 4p² q माइनस p² q और यहाँ से माइनस 2p² q, ठीक है, एक जगह कर दिया यहाँ पे, प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। चलो 4p² q, 4p² q माइनस यहाँ पे p² q में से 2p² q घटाओ तो कितना बचेगा इसमें, माइनस p² q, चूँकि 2 यहाँ इससे बड़ा है तो साइन किसका होगा, 2 का होगा, माइनस p² q प्लस 3 माइनस 1 2, ठीक है। चलो 4p² q माइनस माइनस प्लस प्लस p² q और माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू 4p² प्लस p² q, कितना हो जाएगा 5p² q माइनस 2, विच इज योर आंसर, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथा सम भी कर लिया, अब चलते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा सम क्या कहता है, पांचवा फिफ्थ को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है फिफ्थ सम नंबर फाइव, क्या कहता है ये, 3x माइनस 4x प्लस ब्रेसेस x प्लस 2x माइनस 3x माइनस 4x माइनस x, चलिए ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 4x प्लस कर्ली ब्रैकेट
x प्लस टू एक्स माइनस 3x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस एक्स। चलिए ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंड दिस इक्वल्स टू 3x माइनस 4x प्लस, करली ब्रैकेट, x प्लस 2x 3x, 3x माइनस 3x माइनस 4x प्लस x, तो x और 3x कितना हो गया 4x माइनस 4x। चलिए ठीक है, 4x यहाँ पे प्लस और 4x माइनस, दोनों कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हमारा क्या बचता है, 3x माइनस 4x प्लस, ये तो जीरो हो गया, यहाँ बचा हमारा प्लस 3x। तो अब सिर्फ बिग ब्रैकेट बचा, 4x प्लस 3x कितना होगा, 4x प्लस 3x 7x, तो 3x माइनस 7x और 7x में 3x माइनस करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 4x, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ये 5 भी हमारा सॉल्व हो गया, अब 6 हम की तरफ चलते हैं। 6 इज ऑल्सो वेरी इजी, लेट अस सी सम नंबर 6 क्या कहता है, a प्लस वन माइनस बिग ब्रैकेट a प्लस वन माइनस करली ब्रैकेट a प्लस वन माइनस स्मॉल ब्रैकेट a प्लस वन माइनस a प्लस वन पर बार। चलिए ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ठीक है, a प्लस वन माइनस a प्लस वन ब्रेसेस स्टार्ट, a प्लस वन पे बार है। चलिए सॉल्व करते हैं, a प्लस वन माइनस a रिमूव करना है हमको क्या बार, तो विनकुलम को हटाइए, a माइनस प्लस माइनस वन, ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू a प्लस वन माइनस यहाँ देखिए a प्लस a माइनस क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस वन माइनस वन ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारा क्या बचा, जीरो, ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू a प्लस वन माइनस ब्रैकेट हटा देते हैं इसको, तो माइनस ए और माइनस प्लस माइनस वन। चलिए अब यहाँ देखिए a प्लस a माइनस 1 प्लस 1 माइनस ये भी कट के जीरो हो गया, तो आपका आंसर क्या बचा, a प्लस 1, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग 7 सम की तरफ चलते हैं, नंबर 7 लेते हैं, नंबर 7 क्या है,